हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का ये व्लॉग होने वाला है मेरा 100 व्लॉग। मैंने टारगेट किया था कि मुझे कम से कम 100 व्लॉग डेली बनाने हैं, तो आज मेरा ये टारगेट पूरा ख़त्म होने वाला है, यानी कि पूरा टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरे हिसाब से। तो अभी मैं सुबह जल्दी उठ गया था और ये देखिए अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है और कोई नहीं उठा है, मैं अकेला ही उठा हूँ। सब लोग उठे हैं लेकिन घर में अभी चाय नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है। और हाँ गाइस, मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, व्लॉग उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है क्योंकि भाई अभी चल रही है एग्ज़ाम और मैं सुबह स्कूल जाता हूँ 8:30 बजे और स्कूल से आता हूँ लगभग 3-3:30 बजे स्कूल से आता हूँ। और वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह खाने में टाइम चला जाता है लगभग 1 घंटा और उसके बाद थोड़ा बहुत खेलते हैं, 1/2 घंटा हम खेलते हैं वही क्रिकेट या वो गिल्ली डंडा वगैरह, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें व्लॉग में नहीं दिखा। और फिर थोड़ा बहुत खेलने के बाद लगभग हम 4 बजे मैं आता हूँ और 6 बजे तक खेलने के बाद हम फिर से चले जाते हैं घर में और 6 या 7 बजे खाना वगैरह खाते हैं और लग जाते हैं फिर से पढ़ाई में। तब तो अंधेरा भी हो जाता है, तो अंधेरे में व्लॉग बनाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो फिर सुबह उठ के वही चालू होता है। वैसे मेरी स्कूल एग्ज़ाम हो या ना हो 8:30 बजे भर कर 3-3:30 बजे छुट्टी है, लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं होती है तब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करने नहीं बैठता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम होती है तब फुल फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, जो कुछ याद नहीं हो रहा है तो वो याद करना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग कम बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉग बना पाऊँ और एग्ज़ाम होते हुए भी मैं डेली 4-5 मिनट का व्लॉग तो बना ही देता हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होती है तब तो स्कूल की छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी और व्लॉग ही व्लॉग है भाई, सिर्फ 3 महीने समर वेकेशन में। तो गाइज़, अभी 100 व्लॉग्स तो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन 100 सब्सक्राइब्स भी कर दो यार। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दो यार। वैसे 100 व्लॉग्स हुए हैं और टोटल वीडियोस मिलाकर हुए हैं 113 वगैरह कुछ तो हुए हैं, क्योंकि मैंने 13 शॉर्ट अपलोड किए थे तो 113 हो गए हैं। ये तो मैंने टारगेट किया था कि मैं 100 व्लॉग डेली बनाऊंगा, तो और एक मैं इसको इस टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि ये टारगेट तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मेरा अगला टारगेट है 365 डेज का व्लॉग डेली बनाना, यानी कि अभी 100 तो हो गए, अभी 265 व्लॉग्स डेली बनाऊंगा मैं, तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और गाइस, वो देखिए सामने सनराइज हो रहा है अभी, तो ये तो बहुत प्यारा लगता है सुबह सुबह ऐसा देखने में नज़ारा। ऐसा नज़ारा तो सिर्फ गांव में ही मिलेगा क्योंकि शहर में तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती है। अभी 7 बज रहे हैं और अभी हो रहा है सनराइज़ और भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। आज तो ये सनराइज़ 7 बजे हुआ है लेकिन अभी 1 महीने के बाद ये सनराइज़ होगा 6 या 6:30 बजे, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो तब देखना। और आजकल मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, सुबह में ठंडी बज रही है, दोपहर में गर्म हो रहा है और शाम में फिर से ठंडी बज रही है। कभी कभी शाम में ठंडी नहीं बजती है, गर्म भी नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कुछ पता नहीं चल रहा भाई मौसम का। और हाँ गाइस, ठंडी की वजह से हम लोगों ने रनिंग को जाना भी बंद कर दिया है, लगभग 15-20 दिन हो गए हम रनिंग को नहीं गए हैं, तो अब ठंडी ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे। और गाइस, ये है हमारा आम का पेड़ और ये देखिए इसको फूल लग रहे हैं अभी, यानी कि इसको आम आ जाएंगे, लेकिन ये जितने फूल है ना उतने सारे नहीं आएंगे, सारे तो नीचे पड़ जाएंगे झड़ के, उस पर तो बस कुछ ही आम लगेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर इतने सारे फूल हैं तो इसमें से शायद 2 या 3 ही आम आएंगे। और भाई यहाँ पर तो पूरे झाड़ को अगर हम देखेंगे तो इतने सारे आए हैं फूल, कैमरा में नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ये देखिए वहाँ पर थोड़ा सा करीब से, तो ये सारे भी समर वेकेशन तक आ जाएंगे, इसीलिए तो हमें समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं 4-5 फ्रूट्स जो कि सिर्फ समर वेकेशन में ही मिलते हैं और छुट्टियाँ भी होती है तो मज़ा भी आता है। और ये देखिए ये दोनों नीम के पेड़ पूरे झड़ रहे हैं क्योंकि ये समर सीज़न तक हरे भरे हो जाएंगे, छाव देते हैं, सिर्फ ये नीम के ही पेड़ है जो समर में हमें छाव देते हैं,
और वो देखिए बाकी हमारे घर के पास वाले पेड़ पूरे हरे भरे हैं। ये अभी हो जाएंगे कुछ दिनों में हरे भरे, एक महीने में या दो महीने में। हाँ गाइस, अभी तो स्कूल को जाने का टाइम हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। और हाँ गाइस, अभी अगला टारगेट है 365 डेज डेली व्लॉग, तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, तो मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।